सपा विधायक इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर मामले में आज आरोप तय होंगे। आज इरफान को पेशी के लिए कानपुर लाया जाएगा, ये खबर है। उनके ऊपर जाजमऊ थाने में तोड़फोड़, आगजनी और फर्जी आधार कार्ड से यात्रा करने का केस दर्ज है। मामले में आज आरोप तय होने के बाद सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, जो कि 6 महीने के भीतर पूरी होनी है। तो आज ये खबर है, सपा विधायक इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर के मामले में आरोप तय किए जाएंगे। इरफान को पेशी के लिए कानपुर लाया जाएगा और तोड़फोड़, आगजनी, फर्जी आधार कार्ड से यात्रा करने का केस दर्ज है इरफान सोलंकी पर। आज आरोप तय होने के बाद सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी है। देखिए कैसे बढ़ सकती है इरफान की मुश्किल, ये आपको समझाते हैं। इरफान सोलंकी पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है, ये आप जानते हैं। दर्ज धाराओं के तहत आरोप तय होने पर बढ़ेंगी मुश्किलें इरफान सोलंकी की। दर्ज धाराओं के तहत 3 से 10 साल की सजा हो सकती है। अगर इरफान को 3 साल की सजा हुई तो विधायक की जा सकती है इरफान सोलंकी की, ये तो तय है। इरफान सोलंकी पर धमकी, आगजनी और कब्जे जैसे 8 मामले दर्ज हैं। अभी महाराजगंज के जेल में बंद है इस वक्त सपा विधायक इरफान सोलंकी। कानपुर के सीसामऊ से सपा विधायक है इरफान सोलंकी। तो आज आरोप तय होने वाले हैं, आज क्या कुछ होगा इस पर भी लगातार हमारी नजर होगी। देखिए कहा जा रहा है कि आज अगर फैसला आता कि अगर इरफान को 3 साल की सजा हुई तो विधायकी इरफान सोलंकी की जा सकती है। कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं और 3 से 10 साल की सजा जिन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए इसके तहत हो सकती है। रतीश मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं, सीधे ग्राउंड पर ही आपको लिए चले। रतीश, आज देखिए आरोप तय होने वाले हैं इरफान सोलंकी पर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कितने बजे उसको कानपुर लाया जाएगा और फिर कैसे कैसे ये पूरा जो प्रक्रिया है पूरी आगे बढ़ेगी? तारीख 24 फरवरी थी और 24 तारीख को चार्जेस फ्रेम होने थे महाराजगंज जेल से। सपा विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर कोर्ट में लाया गया था, लेकिन इरफान सोलंकी के साथ जो सह आरोपी हैं उनके द्वारा डिस्चार्ज एप्लीकेशन को लगा दिया गया, जिससे चार्जेस फ्रेम नहीं हो पाए। डिस्चार्ज एप्लीकेशन को अगर सामान्य भाषा में समझा जाए तो सह आरोपी कोर्ट से कहते हैं कि उनके भी पक्ष को सुना जाए और उसके बाद चार्जेस को फ्रेम किया जाए कि किन धाराओं में मुकदमा आगे बढ़ाया जाएगा। तो आज अगर सह आरोपी के द्वारा डिस्चार्ज फाइल नहीं किया गया तो इसके बाद ये तय हो जाएगा, चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक मोड पर कोर्ट में सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद ये माना जा रहा है कि अगले 6 महीने में इस मामले में फैसला आ सकता है। अगर आज की बात की जाए तो आज 2 मामले हैं। पहला मामला 7 नवंबर का आगजनी का, जो 8 नवंबर को जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ था, और उसके बाद अब तक 8 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं जिनमें एक आधार कार्ड का भी मामला था। कूट रचित दस्तावेज करते हुए दिल्ली से मुंबई तक की यात्रा की गई थी। पुलिस का दावा था कि फर्जी आधार कार्ड बनाया गया अशरफ अली के नाम पर और उस पर दिल्ली से मुंबई की यात्रा की गई। तो आज इन दोनों मामलों में कोर्ट में पेशी है इरफान सोलंकी की। महाराजगंज जेल से उनको कानपुर कोर्ट लाया जाएगा। 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब उनको पेश किया जाएगा और उसमें आज चार्जेस फ्रेम होने का दिन है। अगर किसी सह आरोपी ने डिस्चार्ज नहीं फाइल किया तो आज चार्जेस फ्रेम होंगे और उसके बाद फास्ट ट्रैक मोड पर पूरे मामले की हियरिंग होगी और उसके बाद ये माना जा रहा है कि अगले 6 महीने में फैसला आ सकता है। लेकिन इस बीच गैंगस्टर भूमाफिया के गैंगस्टर के आरोपी इरफान सोलंकी पर भूमाफिया की कार्रवाई भी कानपुर पुलिस के द्वारा कर दी गई है और लाया जाएगा, उसके बाद आरोप तय किए जाएंगे। आज का दिन अहम है और आने वाले वक्त में मुश्किलें इरफान सोलंकी की बढ़नी तय है। शुक्रिया रतीश आपका पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।